कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है जरूरी नहीं होता, सबके लाइक्स डिसलाइक्स तो होते हैं ना। अब मेरे भी लाइक्स डिसलाइक्स है तो बट क्या है ना, अब मैं डिसलाइक्स में ये नहीं कि उस इंसान को कि हाय इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, इसका कुछ, मैं हमेशा दुआएं भेजती हूँ कि कोई इट्स ओके बाबा कि मतलब आपने मुझे शक्ति दी है उस ज्ञान की कि मैं उसको रियलाइज कर पाऊं, बट सबके पास अभी नहीं है, तो मैं दुआएं भेजती हूँ कि हम दुआएं भेजते जाएं कि अगले बंदे का भी कभी ना कभी तो माइंड चेंज होगा हमारे प्रति। राइट, शहनाज़ अंकल के कमबैक पर ट्रोलर्स ने बहुत कुछ कहा, हेटर्स ने भी बहुत कुछ कहा, शहनाज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। हेटर्स फिर भी बोलते रहे, शहनाज़ ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली शहनाज़ अंकल को भला बुरा कहने वाले, उन्हें ट्रोल करने वाले, उनके कमबैक पर सवाल उठाने वाले, सिद्धार्थ के लिए उनके प्यार पर सवाल उठाने वाले लोगों को शहनाज़ अंकल ने करारा जवाब दिया है। जी हाँ, खुद इस पर बात की है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शहनाज़ अंकल हाल ही में ओम शांति ओम की शिवानी दीदी के साथ उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने इसे लेकर भी बात की कि पहले वो वक्त था जहां पर लोग अगर मुझे कुछ कहा करते तो मैं इंस्टेंटली उस पर जवाब देती थी, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि लोग अगर भला बुरा किसी के बारे में भी कहते हैं तो वो वक्त है, वो उसके विचार है, वो नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, रास्ता कठिन होता है पॉजिटिविटी की ओर जाना, लेकिन वो नेगेटिविटी में जाता है क्योंकि उसे वो इजी लगता है, और वो किसी के बारे में भला बुरा कहता है क्योंकि उसके वो विचार रखते हैं, लेकिन मैं उसे पलट कर जवाब नहीं देती क्योंकि जैसा कि अभी फिलहाल मुझ में जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं जो कुछ भी आपसे सीख रही हूँ उसके बाद मुझे ये लग रहा है अगर कोई मुझे बुरा बोलता है तो मैं उसको बुरा वापस जवाब नहीं देती हूँ पलट के, मैं बस ये दुआ करती हूँ, मैं चुप्पी साधती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो, उसके जीवन में पॉजिटिविटी आए। जी हाँ, नेगेटिविटी फैलाने वालों के लिए शहनाज़ अंकल कह रही है कि तुम भी पॉजिटिव हो जाओ और तुम्हारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ ही जाए। जस्ट बिकॉज हाल फिलहाल में शहनाज़ अंकल को ट्रोलर्स का बहुत सामना करना हुआ है, एज पर उन्हें कहा गया कि गोल्ड डिगर है, सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल करके पैसा बना रही है, सिद्धार्थ को भूल कैसे गई, और बहुत सारी चीजें कही गई। और इसके बाद शहनाज़ अंकल ने ये कहा कि मुझे बुरा बोलने वालों, तुम बुरा बोलो लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी अच्छा हो, और ये वाकई में बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है शहनाज़ अंकल ने। आप किस पर क्या राय है, क्या है विचार, साझा कीजिएगा कमेंट सेशन के थ्रू, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।